फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया, वेलकम टू माय न्यू चैनल चाय विद सुप्रिया। सो मोस्ट अवेटेड एनिमेटेड सीरीज़ द लीजेंड ऑफ हनुमान सीज़न 4 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। सो सीरीज़ डायरेक्टर है शरद देवराज, चार्वी अग्रवाल और जीवन कांग। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले देख लेते हैं सीरीज़ को ऑफिशियल ट्रेलर वीडियो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। थक गया हूँ युद्ध के नियमों का पालन करते करते, ऊब गया हूँ इसे दो बराबरी के शत्रुओं का संग्राम मानते। कुंभकर्ण को जगाने का समय आ गया है। इसके लिए जगाया था मुझे, कोई नहीं तुम में से जो मुझे टक्कर दे सके। सारे वानर रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं भैया। सारे नहीं लक्ष्मण, वो देखो हनुमान। अपने भैया को तुम्हारा कटा सर भेंट करूंगा। ऐसी घिसी पिटी धमकी, लगता है बहुत समय से सो रहे थे। उसे हराना असंभव है, कठिन होगा। जामवन काका ने समझाया था, मन का मंथन करो। राम राम राम, ये युद्ध मन और रण दोनों पर लड़ते रहना पड़ेगा हनुमान। हनुमान, इसने अपने अंदर के सर्वशक्तिशाली योद्धा को जगा दिया है और बन गया है ज्ञान गुण सागर। ये हुई ना कुछ बात। जय श्री राम। लौट जाओ, बिना सीता माता के कभी नहीं। बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, मतलब मुझे तो मज़ा आ गया देख के। सो ट्रेलर की शुरुआत होती है रावण से, जो अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा लगातार हार का सामना करते हुए निराशा जता रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने अभी नियमों के अनुसार युद्ध करना छोड़ दिया है और वो एक पावरफुल शक्तियों को जगाकर एक मास्टर प्लान के साथ वापस आ रहे हैं। फिर ट्रेलर में रावण के भाई कुंभकर्ण को दिखाया गया है, जो अपने अतृप्त भूख और लंबे समय तक सोने के लिए जाने जाते हैं और उनके सामने फिर ट्रेलर में एंट्री होती है हमारे भगवान हनुमान जी की। जो ट्रेलर में उन दोनों में बहुत ही ऐसी तगड़े एक्शन देखने को मिल रही है। जब कुंभकर्ण हनुमान जी से कहते हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, फिर हनुमान जी उस पर कहते हैं कि मैं माता सीता को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। फिर से दोनों में एक तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है, मतलब अच्छा है, मुझे तो मज़ा आ गया देख के। सो सीरीज़ 5 जून ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है। तो मिलते हैं फिर से एक नए ट्रेलर टीज़र वीडियो के साथ। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट रिएक्शन किस वीडियो पे बनाए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय।